शाजापुर जिले के पोलायकलां में आगामी त्यौहार महाशिवरात्रि और होली को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान चौकी प्रभारी ने नगर में शांति सौहार्द और भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष पवन राजकुमार, चौकी प्रभारी राजेश गोयल, नगर परिषद उपाध्यक्ष कैलाश मंडलोई मौजूद रहे। शांति समिति की बैठक के दौरान चौकी प्रभारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि किसी प्रकार की अगर पोस्ट सोशल मीडिया पर आती है तो उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आजकल अराजक तत्वों के द्वारा अनर्गल पोस्ट सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने के लिए डाली जाती है। आगामी त्योहारों को शांति सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। बैठक के दौरान बिजली विभाग से संतोष, स्वास्थ्य विभाग से देवेंद्र पालीवाल, पार्षद नरेंद्र मंडलोई सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। आज चौकी प्रभारी पोलायकलां द्वारा नगर परिषद में शांति समिति की बैठक में सभी वरिष्ठ लोगों को बुलवाया गया और जो भी समस्याओं के लिए उन्होंने बिंदु थे उन पर चर्चा हुई। एक तो शिवालय तरफ जो डीपी खुली हुई नीचे रखी हुई उस पर चर्चा हुई कि वो सुरक्षित हो ताकि दूसरे व्यक्तियों को क्षति ना पहुंचे, ना करंट लगे। और आए दिन शिवालय पे जब महिला जेंट्स आरती के समय भी भीड़ भड़क का होने के कारण पुलिस की मदद और मांगी। चौकी प्रभारी द्वारा बताया गया कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है, इसलिए हम बाहर से जवान बुलवाए हैं, वो व्यवस्था भी की जाएगी। सौहार्द समिति की बैठक मैंने त्योहारों के लिए रखी गई थी। त्यौहार से संबंधित जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि पर्व के दौरान जो भीड़ शिवालयों पे मंदिरों पर एकत्रित होगी उसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था और बैरिगेट्स की व्यवस्था मेन मुद्दा है। दूसरा, फोर्स के लिए जो बताया गया अतिरिक्त फोर्स के लिए, तो उसके लिए भी हम पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिख चुके हैं और वहाँ से अपने को फोर्स उपलब्ध हो जाएगा और सुचारू रूप से जो व्यवस्था है वो अपन हर संभव प्रयास करेंगे कि वह अच्छे से अच्छी रहे। पोलायकलां से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट।